बिहार के सीतामढ़ी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं इस मुठभेड़ में कल एक दरोगा दिनेश राम की मौत हो गई, जबकि एक चौकीदार घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस घटना को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। इस कड़ी में राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सीतामढ़ी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दरोगा के परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरोगा की हत्या में संलिप्त शराब तस्करों को फांसी की सजा देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार द्वारा तस्करों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, जिसका परिणाम है कि छोटे छोटे बदमाश भी अब शराब तस्करी पर अक्रूत संपत्ति के मालिक हो गए हैं और सफेद पोश लोगों के साथ उठने बैठने लगे हैं। उसे पूरा का पूरा सीतामढ़ी शराब का केंद्र बिंदु बना हुआ है। शराब और अपराध का ये और तस्कर का ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि शराब की रिव्यू हो, सारे नेताओं की जांच हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमएलए एमपी मंत्री लगभग 5% को छोड़ दें तो लगभग लोगों का पैसा इन माफियागिरी में, जमीनों की माफिया में शराब की। बता दें कि दूसरी ओर सदर डीएसपी रमाकांत उपाध्याय ने बताया कि आरोपी पर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। जब पुलिस द्वारा आरोपी पर शिकंजा कसा जा रहा था तो उसने फायरिंग कर दी थी। वहीं इस फायरिंग में एक दरोगा की मौत हो गई, जबकि एक चौकीदार का इलाज जारी है। गोलीबारी हुई है, एक सीनियर पुलिस कर्मी की मौत भी है। क्या है मामला? मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराध कर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था रंजन, अपने घर पे आया हुआ है। उसमें पुलिस पदाधिकारी और कॉन्स्टेबल एक चौकीदार के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे दो कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और एक चौकीदार लाल बाबू को, दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है, चौकीदार इलाजरत।